नागौर जिले की पवित्र भूमि पर ग्राम पंचायत बनगांव के नवनिर्वाचित आपकी पूर्व सांसद रही भी किसान की युवाओं की बड़ी मजबूती से जहां फैसले होते हैं वहां पैरवी करने वाली ज्योति मिर्धा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी, दुर्ग सिंह जी, बरंगाव के पूर्व सरपंच साहब, ओम जी प्रधान जी, सरकार के अंदर उस वक्त वहां भ्रम भ्रांति फैलाई गई कि यह व्यवस्था आगे नहीं चलेगी। पीढ़ियों से सदियों से जिस जमीन को मां के किसान जोतते थे, खेती करते थे, उनके ऊपर उन्होंने खातेदारी का अधिकार नहीं लिया। आज भी जैसलमेर जिले की सबसे अगर मुख्य मांग है तो ये मुख्य मांग ये है कि नियमन करा दो या अलॉटमेंट करवा दो। हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम अगर खातेदारी की कई जमीन किसानों के खाते चली वो जैसलमेर जिला है। आज भी सबसे कम जमीन 18% जमीन सिर्फ किसानों के खाते के अंदर। बाड़मेर जिले के अंदर चौधरी रामदान जी ढौकिया ने हम लोगों का उस वक्त बलदेव राम जी के साथ में मिलकर हमारे लोगों के पीछे जागृति फैलाई, किसान को जागृत किया, शिक्षा के प्रति जागृत किया, अधिकारों के प्रति जागृत। सरपंच क्या बनता है राजनीतिक तौर के ऊपर हम की सामने प्रियंका चौधरी ने मजबूत हो सके कभी, और उस समय जो रामनाथ को के किसान कल में उनके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल लोगों को करना, लोगों की मतभेदता हो सकती है, उन लोगों को वार्ड पंच भी नहीं। मेरे परिवार में कोई एमएलए पर मैं तो एमपी और एमएलए कारण अगर वो खातादारी का अधिकार वो जमीन के का जो सफर हम लोगों ने किया वो चेयर अपन भी ये बात करें कि 60 साल में ये विवाद किसान के युवा जब क्यों होता है, इन बड़े लोगों के लिए कोई भी फैसला होती है उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ती है जब कभी भी देश के अंदर विवाद नहीं होता है और अपन लोगों के लिए कुछ भी निर्णय होता तो विवाद क्यों होता। इस बात को अगर आप गहराई से जान लोगे तो व्यवस्था के अंदर अपन लोग कभी भी पीछे नहीं रह सकते। पूरे देश के अंदर मंदी है, अंबानी परिवार मजबूती से आगे बढ़ रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए का मालिक बन गया है और उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं, कहीं विवाद नहीं। 1,30,000 करोड़ रुपए पिछले साल के अंदर उन बड़े पूंजीपतियों के माफ हुए, जो कॉर्पोरेट टैक्स था उस कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कमी करके वो फायदा उनको पहुंचाया गया और उनके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं। 3,30,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ नहीं हुआ पिछले 5 साल के अंदर, उनके लिए कोई भी बात नहीं। जब किसान मजदूर गांव की बात आती जब ये विवाद क्यों? आज हम लोग यहां एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कहीं बैठे हैं तो हमारी ताकत नहीं है, जिन्होंने हमको वोट दिया है उन लोगों की ताकत के कारण एमएलए और एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। हरीश चौधरी तो वही था, पर जिस दिन बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने लोकसभा का सदस्य बनाया उस दिन हरीश चौधरी को दिल्ली के अंदर लोकसभा के अंदर घुसना और दूसरी जगह अपनी बात करने का अधिकार हुआ। अगर मेरे खुद के पास ताकत होती तो मैं उससे पहले अपने आप को नहीं बात करता।
उस ताकत का जो लोगों की ताकत है उसका उपयोग किस तरह से करे वो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। वो उपयोग उनको ताकत देने के लिए, उनके लिए सही फैसले करवाने के लिए किया जाए, या वो उपयोग उनके बीच में विवाद करने के लिए किया जाए। मैं नागौर की धरती का रहनी हूं, मैंने विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ा 91 के अंदर, जब नागौर के छात्र मेरे साथ उस वक्त तन मन और धन से मेरी मदद कर, मेरे से पहले कोई भी किसान वर्ग का वहां छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं था। मैंने भी वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा। तब मेड़ता के, खिवसर के, नागौर के ज्यादातर छात्र जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे। उस चुनाव के अंदर मैं और गजेंद्र सिंह शेखावत आमने सामने चुनाव लड़े, मैं जीता, गजेंद्र सिंह शेखावत हारे। पर उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने कभी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया, मैंने कभी भी गाली नहीं दी, मैंने कभी भी हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। राजनीतिक तौर के ऊपर जितनी मजबूती मेरे से बन पाई, मजबूती से उनके खिलाफ खड़ा रहा, आज हूं और जीवन भर रहूं। पर समाज के अंदर विवाद करना, समाज के अंदर अपने लिए जगह करने के लिए हम किसी को गाली देवे, हम विवाद करें, गलत शब्द का इस्तेमाल करें और खुद का जब काम पड़े, जब घुटने से घुटना अड़ाकर और वहां बैठे लोगों को कोई मदद करे, ये कायदा या नहीं है। जब लोगों के लिए काम पड़े, जब हम लोगों को एकजुट होकर मजबूती से साथ रहना चाहिए, खुद के लिए काम पड़े तो जरूर हम अपनी अपनी दिशा आगे बदल लें। कायदे की तो ये चीज है, पर आज के समय में हो क्या रहा है कि लोगों के लिए काम पड़े जब तो विवाद है, और खुद के लिए काम पड़े जब सबके सब साथ के अंदर। आज हमारी विचारधारा में हमारा आमना सामना हो सकता है, हम सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं, पर हमारे नौजवान, हमारी अगली पीढ़ी को हम लोगों का क्या जिम्मेवारी और कर्तव्य बनती है कि उनको अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना करें, उनको योग्य बनाए। योग्य नहीं बनेंगे तो किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बड़े लोग हर समय क्या चाहते हैं कि विवाद सिर्फ और सिर्फ किसानों के अंदर रहे और किसी और से नहीं करवाते हैं। ये विवाद हर समय किसान परिवार के व्यक्ति से ही करवाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ग्वार के जब भाव 30,000 रुपए हुए थे, आप लोगों को याद है, 30,000 रुपए ग्वार के भाव हुए थे, 33,000 हुए थे, 35,000 हुए थे। वो भाव वापस जब 3,000 रुपए हुए और वापस जब 9-10,000 रुपए हुए, तो जोधपुर के अंदर किसान के नाम पर मंच बना, किसान के नाम के ऊपर किसानों को इकट्ठा किया गया, कोर्ट में लगाई गई सर छोटू राम जी की, मंच पर किसान नेता बैठे, भाषण दिए, और जो पीछे से बात करवाने वाला बीडी अग्रवाल, बड़े बड़े विज्ञापन दिए। क्या विज्ञापन दिए कि अमेरिका के अंदर अब शेल गैस के अंदर ग्वार गम की मांग बढ़ने वाली है, तो किसान भाइयों कोई भी अपना ग्वार नहीं बेचो, खुद का पूरा ग्वार बेच दिया, और किसान को वो 10,000 का ग्वार जिस दिन बेचना था उसको बेचने नहीं दिया। उस दिन मंच के ऊपर कौन बैठे थे? मंच के ऊपर वो किसान ही बैठे थे, उनके मुंह से ये बात कहलवाई, और वो का वो ग्वार 9-10 हजार से 3,000 हो गया। आज हम लोगों का कर्तव्य क्या बनता है? मजबूती से जा किसान के लिए फैसला हो, वो फैसला करे। आज नागौर के अंदर कोई चीज में अन्याय हो रहा है तो हम लोगों का फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, वो अन्याय जहां हो रहा है वो नियम बदले, कानून बदले, पर यह हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, नागौर जिले के अंदर पिछले साल के अंदर जब गिरदावरी हुई,
गिरदावरी के आधार के ऊपर नागौर जिला के अंदर कई राजस्व गांव के अंदर अकाल ग्रस्त घोषित हुआ। केंद्र सरकार ने अकाल ग्रस्त होने का जो पहले पैमाना हुआ करता था, आधार हुआ करता था गिरदावरी, उसके जगह नया पैमाना नरेंद्र मोदी ने लागू किया। नया पैमाना क्या लागू किया कि बरसात कितनी होती है वो पता करो, और सैटेलाइट के माध्यम से जो फसलें होती है उसका आकलन करो, और उन तीनों के आधार के ऊपर, नमी के आधार के ऊपर फिर हम लोग करेंगे। और नागौर जिले के किसानों को अकाल रात के तहत जो अनुदान करोड़ों रुपए मिलने थे वो इस साल नहीं मिले, पानी की व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए मिलने थे वो नहीं मिले, गाय के चारे के लिए करोड़ों रुपए मिलने थे वो नहीं मिले। क्या नागौर के जनप्रतिनिधि का यह फर्ज और दायित्व तो नहीं बनता है तो वो बात मजबूती से जो फैसले होते हैं वहां उठाई, नियम कायदे के अंदर जो अन्याय नागौर और राजस्थान को हो रहा है वो नियम बदले, पर नहीं, वो ताकत जो नागौर के किसानों ने दी है वो ताकत का उपयोग विवादों के अंदर करे, वो ताकत का उपयोग अपने आप को ताकतवर करने के लिए करे। फसल बीमा के अंदर लाखों करोड़ रुपए किसानों के जेब में से जाकर उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के जेब में जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए में, हजार करोड़ बात नहीं कर रहा हूं।